यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं कुरुक्षेत्र पहुंची कांग्रेस की नेता राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता दलितों के घर खाना खाकर दलित वोट बैंक हथियाना चाहते हैं, जबकि दलित बीजेपी से विमुख हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अदालत उच्चतम न्यायालय में जब एससी एसटी के विपरीत फैसला आया तो सरकार ने सही ढंग से पैरवी नहीं की और कहा कि अदालत के समक्ष पक्ष तरीके से नहीं रखा, जिसके कारण दलितों के विरोध में अदालत ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो चुका है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी कांग्रेसी नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही कहा कि एसवाईएल नहर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष पार्टियों ने हमेशा इसे मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश की। हमारे यहाँ कोई जात पात की बात नहीं है, 36 बिरादरी की पार्टी है हमारी, हम सबको साथ लेकर चलते। कांग्रेस पार्टी ने कभी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, इसको राजनीतिक मुद्दा अगर किसी ने बनाया, कांग्रेस ने तो हल कर निकालने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक मुद्दा किसी ने बनाया तो वो दूसरी जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां, उन्होंने बनाने की कोशिश की। उनकी राजनीति ही इस पर आधारित रही है सालों से, दशकों से।